आखिर तुम्हारा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्या कर दीजिएगा? हेलो, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि वो नोट्स शेयर कर दीजिएगा जो आप पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चले मैं फाइल ओपन कर लूँ तो फिर शुरू करते हैं, लोग आ रहे हैं। आकिब, आप लाइन पे हो? हेलो आकिब, आप इशू ये है कि अभी तक कोई लाइन पे नहीं आ रहा है। आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लो। किस पे टैक्स नहीं काट रहे? हाँ आपको किस,
कौन सा विदहोल्डिंग टैक्स? कटवाना है पहले। सेल टैक्स में आउटपुट में तो उसके बारे में कंफर्म करना था कि इसमें कुछ चेंजिंग आई है सेक्शन 8B में। नहीं, आपका जो विदहोल्डिंग वो करते थे पहले? नहीं नहीं सर, जब हम सेल टैक्स की पेमेंट करते हैं ना, 10% ऑफ सेक्शन 8B जो कहता है कि हमें जमा करवाना है। जी जी, उसके बारे में मैंने कंफर्म। वो जो 90% इनपुट मिलता था आपको? जी जी हाँ। तो अभी अभी तक चेंजिंग आई है? असल में वो डिपेंड करता है कि अब जैसे फिक्स एसेट है तो उसपे 8B अप्लाई नहीं ना होता, वो 100% मिलता है। ठीक है। हमारा तो टेक्सटाइल तो इसमें पहले जमा करवा रहे थे, अब कह रहे हैं हमने कमिश्नर से अप्रूवल ले लिया, अब हम नहीं जमा करवाएंगे। तो अगर तो अप्रूवल, अगर तो उसका लॉ परमिट करता है कि आपको 100% मिल जाए तो 100% मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो वरना फिर सिस्टम तो उधर ही वरना एप्लीकेबल हो जाएगा ना। अगर आप उसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी को प्रूव कर देते हैं तो फिर तो बात ठीक है आपकी, या उसमें रेलिवेंट को एग्जम्पशन अगर है, छूट मिल जाए तो फिर तो बात समझ आती है। अदरवाइज 8B तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है ना। तो अगर कोई असल में पहले टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं था पहले ना ये, तो फिर इन्होंने उस पे भी अप्लाई कर दिया था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पे ना, ठीक हो गया। तो अब ये दोबारा जो हमारा टैक्स को डील कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि अब हमने कमिश्नर से अप्रूवल ले लिया है तो अब हम दोबारा जमा करवा रहे। कोई इसमें कोई चेंजिंग आई है इसके बारे में मैंने कंफर्म करना? नहीं, चेंजिंग तो ऑब्वियसली अगर अगर लॉ इस चीज की परमिशन देगा कि अप्रूवल है तो अप्रूवल पढ़ के उसको चेक कर लेना कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं, कल को फिर दोबारा वो डिमांड निकाल देंगे। वरना आल दो के आप 90% जमा कराएंगे, 10% आप अल्टीमेटली फिर उसकी आप रिफंड मांगते हैं, फिर जो जो आपको फिर बाकी का जमा कराना होता है वो आप फिर रिफंड साल के बाद मांग लेते हैं ना। इस तरह का प्रोसेस था पहले, और अगर इसमें कोई छूट आई है तो वो लेटर फिर कमीशन का देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस बेस पे आपको कहा है कि आप ना कटवाएं, यानी आपको आप 100% इनपुट ले लें। समझ आ रही है बात? वो तो लेटर बताएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे 153 की आप एग्जम्पशन ले लेते हैं, 148 की, 235 की, इसी तरह अब आपने इसे 8B से अगर कुछ छूट ली है तो उसका कोई प्रूफ होगा ना आपके पास, उसके बगैर तो बात नहीं ना सुनी जाएगी। वरना ऑडिट के थ्रू 25 के या जो कमिश्नर सिलेक्ट करेंगे उसके थ्रू आपका जो है वो डिमांड निकाल देंगे कल को कि भाई आपने ये जो इनपुट है आपने 100% पूरा ले लिया है, जबकि आपने 10% जमा कराना था। आल दो वो बाद में आप रिफंड मांग सकते हैं, लेकिन एक दफा पैसा तो जमा कराना पड़ेगा ना। और कोई क्वेश्चन है या यही था? हाँ जी हाँ जी। और साथ ठहरे कौन है? हम आज आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, सामने को कभी नहीं है। अभी चूंकि सर्दी है तो अटेंडेंस बड़ी थोड़ी आई है आज, आप दो ही बंदे हो, पहले कोई क्वेश्चन है तो कर लो, वरना मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बंदा करे, खाली रहने से बेहतर है। ये पूछा था आप सेल टैक्स का भी समझाते हैं साथ साथ? हाँ जी, सेल टैक्स का भी चलता है। वो कब चलता है? ये नहीं, ये सेल टैक्स की बात हो रही थी, जो 8B की बात हो रही थी सेल टैक्स की। इसी तरह सेल टैक्स की भी इसी तरह ही साथ चलेगी ना, वो कभी ये वाला टॉपिक आ जाता है कभी वो आ जाता है, इस तरह चलता है। जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? तो फिर पहले क्वेश्चन आप बनाएंगे तो फिर आएगा ना सामने। चले अच्छा, अभी जो है ना एडवांस टैक्स पे थोड़ी सी मैंने बात करनी है आप लोगों के साथ, तब तक शायद लोग और भी आ जाएंगे। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपको।
ये आपके सामने जी एडवांस टैक्स का है, 147 सेक्शन है। इसमें बेसिकली इससे पहले कि मैं आपको मटेरियल ये सारा समझाऊं, आपके साथ कुछ चीज़ें पहले मैं शेयर कर लेता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। देखिए बात ये हो रही है कि दरियाब साहब आवाज आ रही है, चेक कर ले। सर, आ रही है सर। जी जी वालेकुम, चले। अच्छा एडवांस टैक्स पे बात हो रही है जी, आज जो लोगों ने क्वार्टरली बेसिस पे और कुछ जगहों पे मंथली बेसिस पे उन्होंने जो है वो ज्यादातर चूंकि बैंकिंग के अलावा जो है वो जो है आपका क्वार्टरली बेस पे जाता है उस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि वो 147 सेक्शन जो है वो कहता क्या है। बेसिकली आपको एक तो वो टैक्स है जो आपको साल के बाद विद रिटर्न जमा कराना है, उसी को फिर चार हिस्सों में डिवाइड करके तो आपने क्वार्टरली बेस पे इनकम टैक्स जो है वो जमा कराना है 147 सेक्शन में। अब जारी बात है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टैक्स पहले ही फिक्स है, एक्सपोर्टर हैं जैसे डिविडेंड है, प्राइस बॉन्ड है, ठीक है, जहाँ जहाँ फाइनल डिस्चार्ज है तो वहां पे जो फाइनल डिस्चार्ज है वो टैक्स तो ऑलरेडी कट गया। उनके अलावा जो लोग बच जाते हैं उनको वो चार हिस्सों में डिवाइड करके तो उनसे वो एडवांस टैक्स जो है वो चार किस्तों में ले लेते हैं। देखिए ना, ताकि स्टेट ने भी अपना सारा फेडरल और गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम को चलाना है, सैलरीज है, फिक्स कॉस्ट है, मार्कअप है, सारा कुछ है, ठीक है, तो वो उन्होंने पेमेंट्स करनी है तो इसलिए वो रेगुलर बेसिस पे उनको पैसा चाहिए होता है। तो कुछ तो ऑब्वियसली आपका एट द टाइम वो विद होल्ड हो जाता है और कुछ बाकी का जो रहता है फिर आप एडवांस टैक्स 147 में जमा करवा के तो फिर अपने ऑब्लिगेशन को आप डिस्चार्ज करते हैं। अब उसके तरीके उन्होंने इंडिविजुअल को अलग तरीका बताया हुआ है, एओपी और कंपनी को अलग बताया हुआ कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले कौन करेगा, कब करेगा, इंडिविजुअल और एओपी और कंपनी करेंगे कब करेगा, ओबियसली क्वार्टरली बेस है, और जमा कब कराएगा जो उनकी डेडलाइन उन्होंने उसमें दी हुई है, उसके अंदर चार जो डिफरेंट डेट्स हैं, तो अलग अलग कंपनी और एओपी की अलग और इंडिविजुअल की अलग है। फिर उसका जब पेमेंट हो जाएगी, अगर आप ड्यूरिंग द ईयर ज़्यादा जमा करा देते हैं तो आप कम कर सकते हैं, अगर कम कराया तो आप पूरा करके उसको जमा करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी तो फिर आप ज़्यादा पैसे जमा कराएंगे, अगर कम हो जाएगी तो ओबियसली जो लॉ आपको प्रोसीजर बताएगा उसको अडॉप्ट करते हुए कम वाली अमाउंट जो है आप जमा करा देंगे। सो ये एक प्रोसीजर है जिसके तहत आप फिर कैलकुलेशन करके जमा करा के उसकी ओबियसली इन राइटिंग में आप उसका ऑनलाइन भी जवाब दे सकते हैं, मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल भी साथ आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, दोनों भी कर दें तब भी हो सकता है। बहरहाल आप उसका रिप्लाई देंगे और रिप्लाई दे के फिर जब आपके चार क्वार्टर पूरे हो जाएंगे फिर आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर 147 में वो टैक्सेस का क्रेडिट आप ले सकते हैं। प्लस इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आपका जो टैक्स एडवांस टैक्स है एक्चुअल वो आप जमा करा देते हैं तो आप 153, 148 और 235 जो आपका बिजली के ऊपर कटता है तो उसका क्रेडिट भी, उसका एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आप उनसे जो है वो ले सकते हैं, ताकि आप जो लायबिलिटी है वो दे दें और आपका फिर सप्लाईज के ऊपर या आपकी इंपोर्ट के ऊपर या आपकी जो बिजली के ऊपर है वो अदरवाइज टैक्स जो है वो ना कटे, लेकिन पहले आपको अपनी ड्यू लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। अब आप ड्यू लायबिलिटी डिस्चार्ज, आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, एडवांस टैक्स बहरहाल आपने देना है, एक तो ये बात होगी। अब एक बंदा कहता है जी मैं नहीं देता, अगर आप एडवांस टैक्स बनता है और नहीं जमा कराएंगे तो वो डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ आपसे 12% पर एनम के साथ रिकवरी करेंगे और फिर उसकी पेनल्टी भी जो आपकी 182 में और फिर आगे प्रोसिक्यूशन भी है 191 से ऑनवर्ड जो सेक्शन है तो उसमें फिर पूरी लीगल एक जो इम्प्लीकेशन है कम्प्लीकेशन उस बंदे के लिए बढ़ जाएगी। अच्छा, अब एक वो जिसने जमा कराया, एक वो जो जमा नहीं करा रहा या पार्शल जमा करा रहा है पार्शल नहीं करा रहा, तो डिफॉल्ट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा।
फिर इसमें वही मैंने अभी बताया, अगर आपको लगता है कि आपकी एनुअल टैक्स लाइबिलिटी करंट ईयर में पिछले के मुकाबले में बढ़ गई है तो आप ज़्यादा जमा करा दें, कम हो गई है तो कम जमा करा दें, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये बेसिकली एडवांस टैक्स का पर्पज़ भी सामने आ गया आपके, तो डेट्स भी आएंगी सामने, किसने कराना है, कब है, कैसे है, ये सारा। और नहीं कराएगा तो क्या होगा, कम कराएगा तो क्या होगा, ज़्यादा कराएगा तो क्या होगा, पूरा करा देगा तो बड़ी अच्छी बात है, वो बराबर हो जाएगा। ये एक ओवरऑल इसके अंदर, और कम या ज़्यादा की एडजस्टमेंट भी है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। आपका बनता 2 लाख था जमा, आपने अभी 1.5 लाख कराया, बाकी 50 आप जमा करा दें। अगर आपका बनता ही 1 लाख था, आपने 2 लाख जमा करा दिया, तो फिर आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप एडजस्टमेंट आपको फिर अल्टीमेटली उसकी मिल जाएगी। ये बेसिकली एक ओवरऑल व्यू है जो आपको 147 सेक्शन के अंदर जो है वो इसमें मिलेगा। सो अब आप इसके सेक्शन जब देखते हैं तो वो एक एक करके मैं आपको उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ताकि आपको फिर इसको लीगली कवर करने में और जो भी इसका इन राइटिंग में मटेरियल है उसको आप समझ सकें। ये पहला सब सेक्शन है जी, जो ये कहता है कि किन लोगों ने जमा कराना है और किन ने नहीं कराना है। पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये जो लोग हैं लेटेस्ट टैक्स ईयर की बेस पे, ठीक है, वो अदर देन दी फॉलोइंग जो ट्रांजेक्शन है, जो 5, 6, 7 है, फाइनल डिस्चार्ज वाले हैं, सैलरी वाला है क्योंकि पहले ही कटा होता है, या इनकम फ्रॉम विच जो जिनका फाइनल डिस्चार्ज में, क्योंकि 5, 6, 7 के अलावा भी फाइनल डिस्चार्ज वाले हैं जिनका क्रेडिट फिर वो आपको नहीं देते, जैसे एक्सपोर्ट वाला है, अभी बताया मैंने, डिविडेंड है, या आपका प्राइस बोर्ड है, वो है। ये साथ साथ आप कवर करते जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, तो क्योंकि इसके काफ़ी 18-19 पॉइंट्स हैं। तो ये पहला पॉइंट आपके सामने है कि किन लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। ऊपर हेडिंग मैंने लिखी हुई येलो कलर में आपको नजर आ रही होगी, इनकम एक्सक्लूडेड फॉर एडवांस टैक्स पर्पसेस, ठीक है, ये पहला इसका एक पॉइंट है। अगर आपने इसमें कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं, ताकि वन बाय वन करके चीजें आपकी कवर हो जाए। हाँ जी जनाब, पहले में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है जी? जी सर, आवाज आ रही है। जो जी सर, ये जो सेक्शन 5, 6, 7 है जी, ये हमें इसका जरा बता दी, ये कौन ये वही है ना, मैंने बताया ना, डिविडेंड प्राइस बॉन्ड वाले, ठीक है, और प्रॉफिट ऑन डेट जो सेपरेट ब्लॉक में जो फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर कवर्ड है, ये वो वाले हैं। अगर आप कहते हैं ठहरे, अच्छा किया आपने सवाल कर लिया, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये देखे, 5 है जी टैक्स ऑन डिविडेंड, 6 है टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, सॉरी 5 है, ये तो 6 नंबर आ गया है, ये 6 है जी टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स, रॉयल्टी फी और टेक्निकल सर्विसेज वाले, और 7 आपके पास है टैक्स ऑन शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो ये ऑलरेडी सेपरेट ब्लॉक में जो कवर्ड है, इनके ऊपर फिक्स टैक्स या फाइनल टैक्स जो है वो दे दिया जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज आपके सामने आ गई हैं जी। आगे चले, जो इससे रिलेटेड बिजनेस करें वो ये 147 में टैक्स नहीं जमा करवाएंगे। एक्चुअली उनका ऑलरेडी कट जाता है ना, जो देखे ना एफटीआर वाले, या जिनका ऑलरेडी फिक्स टैक्स में कट गया है, वो तो टैक्स पहले ही दे रहे हैं। समझ आ रही बात? जब उसका जो बनता है, अगर डिविडेंड वाले ने 15% देना था या 7.5% या 25%, अगर वो ऑलरेडी दे चुका हुआ है तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना उससे, और कौन सा टैक्स लेना आपने।
समझ आ रही बात? सैली वाले पे कट गया दूसरा, नीचे तीसरा एफटीआर वाले केसेस है, वही जो एक्सपोर्ट सेल्स आपका जो है प्राइस बोर्ड है, जो जो एफटीआर के अंदर कवर्ड है उनका भी टैक्स कट गया। तो जो देना था इन तीनों कैटेगरी में पैसे तो ऑलरेडी आप ले चुके हुए हैं, ये नहीं है कि इनको माफी दे दी है उन्होंने। अब बात समझ रहे? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हेलो सर, अभी तक तो क्लियर है, थैंक यू। तो साथ साथ शेयर करते जाया करें ना। अभी पहला पॉइंट मैंने आपको दिया कि किन लोगों पे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है बट अदरवाइज वो टैक्स दे रहे हैं, ये असल में क्वेश्चन है। हाँ जी, आगे चले। चले दूसरा है जी, ये आपके सामने है। अब जैसे उसने कहा था कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन टू, उसने पहले आपको कह दिया था ऊपर, तो टू में जाके क्या है कि वो लोग, वो इंडिविजुअल जिनकी लेटेस्ट असेस्ड टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग बी सी एंड डी वालों को निकाल के अगर 10 लाख से, उसने कहा है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इनकम इज लेस देन रुपीज 1 मिलियन, अगर आप इंडिविजुअल हैं और एक्सक्लूजन के अलावा आपकी इनकम है लेकिन आपकी लेटेस्ट असेसेबल असेस्ड इनकम जो है वो 10 लाख से कम है, तो तब भी आप एडवांस टैक्स नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 10 लाख के बराबर या ज्यादा जाएंगे तो तब आप एडवांस टैक्स इंडिविजुअल पे करेगा जी। अगर इस पे कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। सैलरीट का मेरे दिन में एक चीज आ रही है कि सैलरीट पे भी यही एप्लीकेबल है सर? देखें, सैलरी वाले का स्लैब है 6 लाख रुपए पे 0% टैक्स होता है, ठीक है सर। उसने ये कहा है कि इंडिविजुअल पे कब अप्लाई होगा, अगर उसकी लेटेस्ट असेस इनकम 10 लाख से कम होगी। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 10 लाख के अंदर है तो टैक्स तो आपका ऑलरेडी कट गया हुआ है ना? हाँ जी, कट गया हुआ सर। तो वो आपको पहले में ही उसने एक्सक्लूजन दे दी। ये देखें, ये 149 पड़ा ना आपने यहाँ पे? जी सर, पड़ा सर। तो ये तो आपको वो ऑलरेडी छूट दे गया, ठीक हो गया सर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सैलरी इनकम 2 करोड़ भी है तो टैक्स तो आप दे चुके हैं। जी दे चुके हैं। ठीक है सर। तो अब हो गया। अब अगर मैंने आपको सैलरी पे टैक्स दे दिया, एक बात है, तो अब मजीद अगर मेरी कोई और इनकम नहीं है तो मैंने तो कोई और टैक्स देना भी नहीं है ना आपको। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सैलरी के अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम है, और भी इनकम हो सकती है ना? हाँ जी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हो सकता है सैलरी के साथ, और भी बहुत कुछ है। नहीं, ग्रुप भी हो सकता है अगर आपकी सैलरी इनकम के अलावा आपकी, फर्ज करें 6-8 लाख सैलरी, 6 लाख सैलरी इनकम है, फर्ज करें BTL है, लेकिन आपकी बिजनेस इनकम जो है वो 20 लाख रुपए है सर, फिर क्या होगा? फिर एडवांस टैक्स आ गया ना उसके अंदर? बिल्कुल आ गया सर, ये बात हो रही है असल में। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है? ये दूसरा पॉइंट हम शेयर करते हैं। हाँ जी, और किसी का? ये सेक्शन बी सी और डी, इसको एक्सक्लूजन मिली है, इसका बता दें। ये पीछे पड़ा नहीं अभी, बी सी और डी, ये वही है ना, उनको निकाल के ये वाली, तो वो तो पहले दे रहे थे ना। और ये 1 मिलियन बिफोर टैक्स है, अगर 10 लाख से कम होगा तो फिर आपको एडवांस टैक्स नहीं देना, अगर 10 लाख के बराबर या ज्यादा होगा तो फिर आप एडवांस टैक्स आप पे एप्लीकेबल होगा। अब आप समझ रहे हैं? हाँ जी, चले आगे।
चले तीसरा जी 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 सर सर अगर मेरी 10 लाख से ज्यादा हो जाती है कंपनी शामिल जाए तो फिर क्या होगा सर, मतलब 12 लाख है 3 लाख एग्जेप्ट इनकम है फिर क्या होगा? एक मिनट ठहरिएगा, अच्छा अब आप सवाल कर ले एक मिनट, वो को ज्वाइन कर रहा था इसलिए मैं उनको देख रहा था। अच्छा आप क्या कह रहे थे कि आपकी सर 12 लाख मेरी इनकम है ठीक है सर, लेकिन उसमें 3 लाख एग्जेप्ट इनकम है ठीक है, तो फिर सर तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी टोटल इनकम होगी 12 लाख रुपए और 3 लाख आपकी एग्जेप्ट है, तो ख्वाजा साहब ये देखें यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है, मैं रेंड कर देता हूँ आपके लिए, वर्ड क्या है जरा पढ़िएगा, टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम नहीं जमा की जाती ना, ठीक है सर बिल्कुल। तो फिर आप 10 लाख के स्लैब से कम हो गए, हो गया बिल्कुल, तो आपका जवाब आपके पास पहुंच गया, ठीक हो गया। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो आगे चले सर, चलिए आगे प्लीज जी, एक मिनट कोई ज्वाइन करना चाह रहे जी जरा, मैं चले दो बातें हो गई, अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी आपके सामने है, अब एडवांस टैक्स बाय एओपी एंड कंपनीज ने कंपटीशन कैसे करनी है, आपने क्या करना है, अब दो बातें हैं। अगर एओपी और कंपनी का केस है तो क्वार्टरली मैंने आपको जैसे बताया था तो फार्मूला उन्होंने बनाया हुआ ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। अब हर एक को डिफाइन करना है, पहले ए अलग है मैंने रेड कर दिया, बी है, सी है और डी है। ए इज द टैक्सेबल टर्नओवर फॉर द क्वार्टर, ये बड़ा क्लियर है। अगर आप टर्नओवर प्रोवाइड नहीं करेंगे या आपको पता नहीं है तो आपने क्या करना है, पिछले साल का 1/4 लेके उनको 10% जो सेल है उसको इंक्रीज कर लेना है आपने, ठीक है। यानी पिछले साल अगर मेरी टर्नओवर थी फर्ज करें आप ले ले 48 मिलियन थी, आसानी के लिए कर रहा हूँ, उसको 4 पे तकसीम कर लें ताकि एक क्वार्टर की टर्नओवर निकले, वो आपका निकला आया 48 मिलियन, तो आपका जो 4 मिलियन आपका पर मंथ है तो ये तकरीबन 12 मिलियन आपका बन गया। 12 मिलियन को 10% बढ़ा लें, ये एक ऑप्शन उन्होंने नंबर वन रखी ए में। बी क्या है, जो टैक्स असेस्ड हुआ टैक्स पेयर का लेटेस्ट टैक्स ईयर का, उसको सी पे डिवाइड करना है, सी टर्नओवर ऑफ द लेटेस्ट टैक्स ईयर है और डी वो टैक्स है जो आपने ड्यूरिंग द क्वार्टर पे किया हुआ है। तो इस तरह आपका एओपी और कंपनी का एडवांस टैक्स क्वार्टरली बेस पे टर्नओवर बेस पे वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ये असेस्ड टैक्स के बारे में बता दें, जो बी है ना, असल में पता क्या है, वर्ड है दो चीजें, अच्छा किया आपने ये सवाल किया। देखिए एक वर्ड है टैक्स असेस्ड और साथ वर्ड है लेटेस्ट टैक्स ईयर है, ये इस पे भी काफी सवाल पहले हो चुके हैं। आपने क्या करना है, जिसकी अगर आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और आपकी कोई असेसमेंट नहीं हुई हुई, जो आपने फाइल की है वही ऑर्डर है, तो लेटेस्ट टैक्स ईयर जो लास्ट आपकी रिटर्न फाइल की होगी ना आपने, वो लेटेस्ट टैक्स ईयर बनेगा। लेकिन अगर उस रिटर्न फाइल करने के बाद किसी पिछले साल का फैसला हो जाता है तो फिर लेटेस्ट टैक्स ईयर उसको लिया जाएगा। जी आपकी भी क्लियर है जो मैंने कहा या पूछना है आपने कुछ? यानी आपने अपने लेटेस्ट टैक्स को लेटेस्ट टैक्स ईयर की टर्नओवर पर डिवाइड करना है और
ड्यूरिंग द क्वार्टर जो टर्नओवर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपकी लाइबिलिटी निकलेगी। उसमें से जो ड्यूरिंग द क्वार्टर कटा होगा आपका, जो एडजस्टेबल होगा, वो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो तब आपकी ड्यूरिंग द क्वार्टर आपकी क्या आ जाएगी, आपकी लाइबिलिटी निकल आएगी कि ये आपने बैलेंस अब जमा करवाना है जी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सर काइंडली जरा उसको दोबारा बताइए कि जो प्रीवियस ईयर का अगर कोई फैसला अब होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट आप फरमा रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि अगर आपको अगर आपने फर्ज करें, अभी आज की बात हम कर लेते हैं, ये आज आपकी तारीख है 7 जनवरी 2024, ऐसे ही है जी सर? ऐसे ही। तो आपका जो क्वार्टर जो एक्सपायर हुआ पीछे, वो लास्ट क्वार्टर गया है। देखिए, 4 क्वार्टर होते हैं, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च एंड अप्रैल टू जून। अभी दिसंबर आपका 2 क्वार्टर आपके गुजर गए हैं। अभी दिसंबर को अगर मैं बेस बनाऊं, तो जब मैंने दिसंबर 15 दिसंबर पे मैं जब था, या 25 दिसंबर पे था एओपी और कंपनी के लिए, क्योंकि ड्यू डेट इसकी आगे गिवन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपको 25 दिसंबर पे आपने कंपनी की रिटर्न फाइल कर दी हुई है 2023 की, तो 24 के लिए लेटेस्ट टैक्स ईयर जो बनेगा वो 23 बनेगा। लेकिन फर्ज करें आपने 1 दिसंबर को रिटर्न फाइल की, लेकिन उसके बाद 2018 का फैसला आपके पास आ गया जो उन्होंने किया 10 दिसंबर को, तो आपके लिए लेटेस्ट टैक्स ईयर 2018 बनेगा, 2023 नहीं बनेगा। लेकिन अगर रिटर्न ही सिर्फ बेस बन रही है, कोई फैसला नहीं हुआ या पेंडिंग है, तो उस सूरत में रिटर्न को ही लेटेस्ट टैक्स ईयर लिया जाएगा जो लास्ट आपने फाइल की होगी जी। इज इट क्लियर? सर एब्सोल्युटली क्लियर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो लेटेस्ट टैक्स ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको जरा आपने अपने जेन में अच्छी तरह जो है ना उसको बैठा के रखना है, ताकि आपको पता हो कि लेटेस्ट टैक्स ईयर कहाँ से निकाला जाएगा। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल है या आगे चले? जी स्टार्टिंग सर। वालेकुम सलाम सर, ये टर्नओवर में कोई एक्सक्लूजन भी है? टर्नओवर देखिए, बात ये है, जो आपने अकाउंट्स में ऑडिटेड या अनऑडिटेड अकाउंट्स में जो सेल दी हुई है वो टर्नओवर है। अब उसके अंदर सेल टैक्स शामिल नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट जो आपने इनवाइस बिल पे शो किए हैं, बेसिकली जो टर्नओवर 113 के लिए है ना, वही टर्नओवर आपकी इधर आ रही है। अब बात समझे? इसका मतलब है टर्नओवर मींस फिलहाल तो बिजनेस इनकम ही है, टर्नओवर का मतलब यहां यही है। अब उसमें बिजनेस आपका कमीशन का भी हो सकता है, ट्रेडिंग का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। नहीं, अगर लास्ट असेसमेंट हुई मेरी और मुझे 111 लग गया तो वो तो असेस तो फिर वो हो गया सर? नहीं, दो चीजें मुख्तलिफ है ना, आपका उससे आपकी टर्नओवर पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, आपके टैक्स पे फर्क पड़ा ना। हाँ जी, लेकिन फॉर्मूले में वो आएगा, टैक्स आ जाएगा आपका। अगर टर्नओवर में, अगर टर्नओवर आपकी एक्चुअल आपको पता है, ऑब्वियसली जब आप सेल करते हैं, लेकिन ना ऑल्दो इसने ए के लिए कहा है कि जहां आप टर्नओवर नहीं बताएंगे या आप नॉट नोन है, हर तरह का केस होता है ना। एक बंदा कहता है जी मैं रिकॉर्ड नहीं रखता, फिर क्या होगा? एक बंदा कहता है जी मैं रिकॉर्ड तो रखता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कितनी है। और दो मिनट सोचते हैं ना सर, कि मुझे 2023 की असेसमेंट हो गई है मेरी और मुझे 1 करोड़ रुपया टैक्स लग गया 111 में, ठीक है, तो अब फॉर्मूले के हिसाब से चले तो क्या करेंगे? अब जाहिर बात है ना, आप उसकी टर्नओवर तो देखें, बिजनेस कर रहे हैं तो सेल तो अकाउंट्स में आई होगी ना। ठीक है, वो भी है टैक्स अमाउंट कर लेंगे सर। टैक्स अमाउंट जो आपका असेस हुआ होगा वो वाला,
अगर आपने जी इसका तो मतलब ये हम ये कह रहे हैं कि हमारा 24 पे भी हमें 111 लगेगा। नहीं नहीं 111 नहीं लगेगा, आपने एडवांस टैक्स देखें, लेकिन दो बातें हैं, आप अपनी लायबिलिटी लेटेस्ट टैक्स ईयर की बेस पे आप निकाल के टर्नओवर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना करंट ईयर के साथ। एक और बात है, अगर आपको ये लगता है कि आपसे जो वो पैसे मांग रहे हैं, फर्ज करे मैंने फार्मूला लगाया मेरा टैक्स यहां पे बन गया 15 लाख, ठीक है, लेकिन जो मैं एक्चुअल लायबिलिटी अपनी बना रहा हूं वो मेरी बन रही है 10 लाख रुपए, तो फिर मैं लोअर वाला पे करूंगा, फिर फार्मूले वाला नहीं आएगा। वो आगे जाके ना आपको आगे मैं सब सेक्शन इसके पढ़ाऊंगा कि अगर आपको लगता है कि करंट ईयर की लायबिलिटी 10 है लेकिन फार्मूले से जो कैलकुलेट हो रहा है वो 15 लाख है, तो फिर आप 10 लाख पे करेंगे। लेकिन इसका एक और मतलब भी है कि अगर आपका एडवांस ऑनवर्ड 15 से बढ़ के 25 हो गया है तो फिर आप 25 भी देंगे। आप बात समझ रहे हैं? अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ सिंपल लफ्जों में कि अगर आपने एडवांस टैक्स अपना एक्चुअल वाला ही डिस्चार्ज करना है, चाहे वो पिछले के मुकाबले में कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, जो एक्चुअल बनेगा, देखिए ना मैंने अपना एडवांस टैक्स जो बनता है मैंने वो देना है, फार्मूला मुझे जो मर्जी कहता रहे, फार्मूले का क्या है, फार्मूला तो कुछ भी कैलकुलेट कर देगा। समझ आ रही बात? ठीक है। अच्छा ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी लगेगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, देखिए बात ये हो रही है, अगर आप टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो टर्नओवर के अंदर तो प्रॉपर्टी इनकम शामिल नहीं है ना। ठीक है ना, ये बेस जो कर रहा है वो टर्नओवर बेस कर रहा है। ठीक है, बिजनेस इनकम में डालते हैं। जी उसी की बात हो रही है, वरना वो कह देता ना, वरना वो सीधा मुझे कहता जी जो टैक्सेबल। अब यही बात है ना कि जब आप अपना एक्चुअल टैक्स बनाएंगे, एक ये भी बात है, आप अपना एक्चुअल टैक्स अलग बनाएंगे और इधर से फार्मूले वाला कैलकुलेट करेंगे, फिर आपने कंपैरिजन करना है कि मैंने देना कौन सा। लेकिन उसने जो टैक्स उठाया है वो जो एप्लीकेबल था वो लेके गया है, मल्टीप्लाई उसने टर्नओवर से जरूर किया आपकी। आप बात समझ रहे? हाँ जी, आगे चले जी। okay. हो गया, चले अगला पॉइंट देखे जी। आप इसको ये सबसेक्शन 4 था, 7 कोटेड है। अब वे वही आ गया पॉइंट कि अगर आप आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है, अगर आपका टैक्स ज्यादा बनता है, ठीक है, यही इसमें ऊपर लिखा हुआ मैंने येलो वर्ड्स में, इसलिए रिवाइज्ड एस्टीमेशन ऑफ एडवांस टैक्स बाय एओपी एंड कंपनीज वेयर एक्चुअल टैक्स इज मोर देन द एस्टीमेटेड टैक्स। अगर आपको ये लगता है कि जो एस्टीमेट आपने बनाया है वो गलत है और जो एक्चुअल टैक्स है वो इससे ज्यादा बनता है, तो फिर आप अपनी किस्तों को इस तरह डिजाइन कर लें कि आप अपनी एक्चुअल लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज कर लें। अब आप इसको एक नजर अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक दफा पढ़ लें, गो थ्रू कर लें। साथ उन्होंने लिमिटेशन लगाई हुई है, एट एनी टाइम बिफोर द सेकंड इंस्टॉलमेंट इज ड्यू। और वो एस्टीमेशन आपने कमिश्नर इन रेवेन्यू को प्रोवाइड करना है कि जनाब ये मेरा एक्चुअल बनता है, इस वजह से मैं एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है या आगे चले? ठीक है सर।
हाँ जी ओके है जी, चले फिर आगे। यानी वो कह रहा है कि आप अपनी किस्तें फिर सेकंड क्वार्टर के ड्यू होने से पहले पहले आप अपनी लाइबिलिटी 50% दो हिस्सों में, बाकी की 50% तीसरे चौथे में जमा करा के तो अपनी जान छुड़ाए। हाँ जी चले आगे। हेलो आवाज नहीं कोई आ रही है? जी सर ठीक है चले। चले ये भी हो गया जी, नेक्स्ट में आता हूं जी। अच्छा अब उन्होंने कहा कि जहां जहां आपके आप पे 4C सुपर टैक्स, 113 टर्नओवर और 113C अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स लगेंगे तो उनको भी कंसीडर करते हुए आपने अपना एडवांस टैक्स बनाना है जी। इस पे कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ये तीन सेक्शन उन्होंने आपको रेफर कर दिए, यानी सुपर टैक्स, मिनिमम टैक्स या अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, इनको भी अकाउंट फोर करते हुए तब आपने एडवांस टैक्स, यानी व्हिचएवर इज हायर बेसिकली। 4C तो सेपरेट है, 113 और 113C और नॉर्मल को भी कंपेयर करेंगे, व्हिचएवर इज हायर बाहर आएगा उसमें फिर सुपर टैक्स ऐड किया जाएगा। ये बेसिकली आपकी फिर टोटल जो एडवांस टैक्स जो है वो आपका बनेगा। यानी वो कह रहा है कि इन सबको अकाउंट फोर करते हुए फिर आपने एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं या मैं आगे चलूं? हेलो क्लियर है सर? हाँ जी क्लियर है बॉस। हाँ जी चले आगे जी। हेलो आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों की? प्लीज आगे चले सर। चले 6 नंबर पे देखिए जी। अब 6 नंबर पे उन्होंने शेयर किया है इंडिविजुअल्स ने अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है। अब उसकी पहले उन्होंने कंपनी और AOP पढ़ाया आपको, उसके एस्टीमेशन के चेंज में बताया। अब 4B जो है वो इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है कि जहां 10 लाख से ज्यादा बराबर या ज्यादा होगा तो उसका फार्मूला क्या है कि A/4 - B। बी वही है जो कटा होगा, 4 पे तकसीम करना। ए आपका जो टैक्स असेस्ड होगा लेटेस्ट टैक्स ईयर का, उसको 4 पे तकसीम कर देना है और बाकी चीज आपके सामने है जी। अगर कोई सवाल हो तो आप कर लें। हाँ जी यानी लेटेस्ट टैक्स ईयर की लायबिलिटी को 4 पे तकसीम कर दें, उसमें जो जो ड्यूरिंग दी क्वार्टर कटा हुआ माइनस कर लें और जो एक्सक्लूजन है ओबियसली उनको निकाल के लायबिलिटी निकाली जा रही है। क्रेडिट भी आपको वही मिलेगा जो इनकम में ऊपर आपने ऐड नहीं किया, ठीक है। अगर सैलरी ऊपर ऐड नहीं की तो सैलरी का क्रेडिट नहीं मिलेगा जो लायबिलिटी आपने बनाई है। हाँ जी आगे चले। हेलो और नीचे उन्होंने साथ एक्सप्लेनेशन भी एक दी हुई है कि 4C अगर सुपर टैक्स लगता है तो उसको भी काउंट फोर करना है आप लोगों ने, वो अपनी जगह पे है। हेलो आगे चले जी। सर चले 7 पॉइंट जी। अब ड्यू डेट्स क्या है, आप इंडिविजुअल्स की ड्यू डेट्स देखें। 15 सितंबर ऑन और बिफोर उन्होंने लिखा, 15 दिसंबर, 15 मार्च और 15 जून। क्वार्टर अभी एंड भी नहीं हुआ तो उन्होंने आपको लायबिलिटी उन्होंने पहले ही आपसे कैलकुलेट कर ली है तो ड्यूरिंग द पीरियड ही वो आपसे। इसी तरह आप देखते होंगे नोटिस आपको आते होंगे तो वो पहले से ही नोटिस इशू कर देते हैं कि भाई आपका एडवांस टैक्स ड्यू हो रहा है इन इन डेट्स पे, आप 2 हैं या 1 है या 3 है या पूरा है जो भी है उसमें मेंशन कर देंगे तो वो आप जमा करवा दें
ताकि आप डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बच सकें। हाँ जी, ड्यू डेट्स भी आ गई, कौन कराएगा वो बात हुई, कब कराएगा वो भी बात हो गई, कैसे कराएगा वो पहले शेयर कर लिया आपने, कौन से एक्सक्लूडेड है वो भी आपने कर लिए, अभी आपने ज्यादा वाला भी देख लिया एस्टीमेट वाला। कोई क्वेश्चन है जी? इसमें सब सेक्शन 5 है, ये 147 का सीरियल लग चल रही है और सब सेक्शन नंबर लग चल रहा है। आगे चले जी, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हेलो, चले आगे सर, चले क्लियर है एक जी जी, कुछ सवाल आ रहा है जी, करे जी। हेलो, आपकी आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूँ ये जो टर्नओवर है, ये 3 महीने का लेना है हमने, के जुलाई मतलब सितंबर में हम जुलाई का सब टर्नओवर लेंगे, यहाँ सितंबर का भी ले सकते हैं। नहीं, ऑब्वियसली जिस क्वार्टर की है उसी की टर्नओवर लेंगे ना आप। जैसे अभी आपने ये देखो ये लिया था, तो इसमें देखे ए इज दी टैक्स पेयर टर्नओवर फॉर दी क्वार्टर है, ठीक है। चले आगे। अभी तक किसी ने ये सवाल नहीं किया कि 15 सितंबर पे आपको बाकी 15 दिन का क्या करना है, उसकी तो टर्नओवर आपके पास है ही नहीं अभी। हाँ जी, क्वेश्चन बनता है। हेलो, इस 15 सितंबर पे बाकी 15 दिनों की टर्नओवर तो आई नहीं, तो उसकी भी एस्टिमेशन बेस पे आप इसमें शामिल कर ले, ताकि आपका पूरा क्वार्टर जो है इसके अंदर कवर हो जाए। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि 15 सितंबर पे तो ये 2.5 महीने सिर्फ बनेंगे, ये तो 3वां बन ही नहीं रहे। हेलो, एवरेज निकाल लीजिए 2.5 महीने की, एवरेज निकाल लीजिए। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाद में उन्होंने 10% का मार्जिन भी रखा हुआ है कि आप कम से कम 90% जमा करा दें, 10% तक अगर शॉर्टेज होगी तो आपको डिफॉल्ट सरचार्ज चार्ज नहीं होगा, ये मार्जिन उन्होंने इसलिए रखा हुआ है। देखिए, असूली तौर पर अगर वो सितंबर के बाद की डेट डाल देना, 15 सितंबर के बाद की मतलब अक्टूबर की डेट डाल देते, तो सितंबर पूरा एक्चुअली बेसिस पे कवर हो सकता था, लेकिन चूंकि आप पहले आ रहे हैं तो थोड़ा सा मार्जिन उन्होंने वहां पे रख दिया। और कई दफा कोई सेल आपको पता है पुरानी भी आ जाती है बीच में, कोई रिटर्न्ड हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाती है, तो उस एस्टिमेशन को कवर करने के लिए उन्होंने आगे जाके आपको मार्जिन उसका दिया हुआ है। वो 205 सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो एडवांस टैक्स में उन्होंने इसका मार्जिन जो है वो रखा हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता भी हूं, ठीक है। तो आप आगे चलो जी, इससे कनेक्टेड कोई सवाल है तो कर लें, वरना मैं आगे चलूं। अब अगली डेट्स हैं जी आपके सामने, यू कैन सी के जी अब एओपी और कंपनी के लिए वो थोड़ा उन्होंने डेट आगे एक्सटेंड कर दी, 25 सितंबर है, 25 दिसंबर है, 25 मार्च है, लेकिन जून का उन्होंने 15 ही रखा, क्योंकि डेडलाइन उन्होंने टारगेट अचीव करने होते हैं, ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो ये आपकी ड्यू डेट्स हैं ऑन और बिफोर फॉर एओपी एंड कंपनी फॉर एडवांस टैक्स पर्पसेस ऑन क्वार्टरली बेसिस। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और नाम भी उन्होंने ये देखें, सितंबर क्वार्टर है ये आपके सामने है। फिर दिसंबर क्वार्टर है, इसी तरह 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ उन्होंने। फिर मार्च है और इसी तरह फिर जून है, ये 4 क्वार्टर इस तरह डिवाइड किए हुए हैं, दोनों में ऐसा ही है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं? यहां तक तो क्लियर है सर। चले आगे चलते हैं। 9 नंबर है जी, ये कुछ सिक्योरिटीज के ऊपर भी उन्होंने एडवांस टैक्स रखा हुआ है। अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 6 मंथ्स है,
ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी को बेचते हैं जिससे अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो जाता है तो 2% उन्होंने रखा हुआ है, और अगर आप मोर देन 6 मंथ्स है बट लेस देन 12 मंथ्स है तो 1.5% वो कैपिटल गेन जो आप ड्राइव करेंगे तो वो क्वार्टर के बाद जो 21 दिन के अंदर, ये एक स्पेसिफिक टाइम है इसका कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर, तो वो उन्होंने इसके अंदर रखा हुआ है कि आप क्वार्टर के बाद 21 दिन के अंदर 2% या 1.5% ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आप वो इसको जमा करा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मैं एक मिनट जरा ना पानी ले आऊं, आप इसको जरा देखें, फिर मैं आपसे शेयर करता हूं। हाँ जी, आपने इसको पढ़ लिया हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं जी। हेलो, आवाज आ रही है जी? आ रही है सर, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं नजर आ रही। हाँ, अभी तक तो अभी हमने यही रखा है, आपके सामने है, तो अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर कर लें, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे चल पड़ूं। जी ये 10 नंबर है जी आपके सामने। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बेसिकली जो आपके बिल्डर और डेवलपर है ना, उनके लिए उन्होंने एरिया बेस जो है ना, उन्होंने टैक्स आप फिक्स कर लिया है, और उसका सेक्शन भी अलग है, उसका शेड्यूल भी अलग है। तो ये 5C उन लोगों के लिए है जो आप देख सकते हैं 1 और 2 में बिजनेस इनकम जो ड्राइव कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स, ये आपके बिल्डर आ गए। और दूसरे केस में डेवलपर है, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल और अदर प्लॉट्स है, वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस है, और जो रेट उनके जो एरिया बेस्ड टैक्स उनको लगा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, 4 किस्तों में वो उसको जमा करवाएंगे, और डेट्स वही है उन्होंने जो 5 और 5A के मुताबिक उन्होंने कहा है वो आप वो ही देंगे, और बाकी जो रेलिवेंट सब सेक्शन है वो उसी तरह अप्लाई होंगे, कम या ज्यादा या जो भी आपका तरीकाकार इसमें दिया गया है एडवांस, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। इनका तरीका थोड़ा सा उन्होंने एरिया बेस पे डाल दिया, अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं? हेलो, आवाज नहीं आ रही जी कोई? सर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नजर नहीं आ रही है। आगे चलें। हाँ, बता देंगे ना, फिर मुझे पता लग जाएगा कि जी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं जरा होल्ड कर लूं, वरना मैं सीधा इसको आगे लेके चल पड़ूं। चले आगे चलते हैं जी। एरिया बेस भी अवेलेबल है अगर आप वो देखना चाहेंगे, ये देखिए इन्होंने पार्ट 2B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसकी भी 4 किस्से इन्होंने उसके अंदर दी हुई हैं।
अगर आप देखना चाहते हैं ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने है जी, ये सुपर टैक्स वाले हैं, ये तो अपनी जगह पे है। ये आपके देखें, आपके सामने आ गया। ये 7D वाले थे, ये टैक्स ऑन बिल्डर था। ये आप देख सकते हैं इसमें, अब चूंकि 7C और 7B जी अब वो रहे नहीं, उनकी जगह उन्होंने जो अलग से डाला है, एक मिनट मैं नेक्स्ट देखता हूं। ये आ जी आपका, ये है पार्ट टू। ये आप देख सकते हैं कि इसको हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली पूरे मुल्क को ना उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला आपका कराची, लाहौर और इस्लामाबाद है, ये एक जगह पे हैं। फिर आपके ये स्पेसिफाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 शहर उन्होंने अलग कर दिए। 3 इधर है और 13 इधर है। इनके अलावा जितने शहर हैं वो फिर आगे अर्बन एरिया, जो कि वर्ड यूज हो रहा है, तो वो उन्होंने उसको कॉलम 3 के अंदर डाल दिया। अब टैक्स ऑन पर्सन फाइलिंग एंड 147(5)(c)(1) के अंदर अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग है यानी बिल्डर के तौर पे हैं, ये देखें जो महंगा है एरिया लाहौर कराची और इस्लामाबाद 250 स्क्वेयर फिट है, यहाँ 230 है दूसरे में और 210 है। फिर अगर आप 5C1 में फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जाएंगे तो रेट कम हो जाएगा, 80 रुपये है, 65 है, 50 रुपये है, 125 रुपये, 110 और 100 है। ये 3,000 या इससे अबव होगा तो वो रेट बढ़ा देंगे, लेकिन मैक्सिमम ये आपके अंदर ही ऊपर गया है। फिर अगर आप 5C2 यानी आप डेवलपर में अगर जाएंगे तो 150 रुपये, 130 और 100 रुपये पर स्क्वेयर यार्ड है ये, ठीक है। और फिर अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में करेंगे तो उसका रेट उन्होंने कम कर दिया है, वो 20 रुपये पर स्क्वेयर यार्ड है, यहाँ भी 20 और यहाँ 10 रुपये है। अगर आप बोथ यूज करेंगे तो बोथ के रेट्स आ जाएंगे। तो ये एरिया बेस जो है, ये एरिया, ये स्क्वेयर फिट है, ये स्क्वेयर फिट है, ये स्क्वेयर यार्ड है जो आपका बिल्डर के लिए है, डेवलपर के लिए, ठीक है। तो आप जिसमें फॉल करेंगे उसके मुताबिक आप एरिया बेस टैक्स निकालेंगे, और वो एडवांस टैक्स ऊपर लिखा भी हुआ है 5C147। तो ये आपका 5C है। अब अगर आपने कोई सवाल करना हो तो इसमें भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो इसकी डेवलप हो जाए। हाँ जी, अब बोले। हेलो, आवाज आ रही है जी? सर आ रही है आपकी आवाज। मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर अगर क्लियर है तो मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर मुझे तो क्लियर है, बाकी लोग देख लें कि अगर कोई इशू नहीं है। हाँ जी, किसी और, वो कह रहे हैं जी उन्हें क्लियर है, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना मुझे बता दें आगे चल पड़े। क्लियर है सर, आगे चले। अच्छा चले। एक्सक्यूज मी सर, सेशन का भी देख लीजिए कितना टाइम बाकी है। अच्छा, चेक किया आपने, आ रहा मैसेज? 7 मिनट्स बाकी हैं जी, तो फिर एक कर लेते हैं। मेरा हाल है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ठीक है ना? राइट सर, जिस तरह एज यू डीम। हाँ, क्योंकि वो फिर कट जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। मैं आपको अभी इसको ऑफ करके जी मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, आप आ जाए, ताकि फिर एक सेक्शन और करके इसको फिर क्लोज करें हम। अभी आ रहा है जी, मैं इसको अभी अभी बंद कर रहा हूँ, आपको लिंक दोबारा भेजता हूँ।
हाँ जी देखिए आवाज आ रही है सर, आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा आ चले रही सर, आवाज आ रही है। चले ठीक है ठीक है। अच्छा हम बात कर रहे हैं कि थे कि वो बिजनेस इनकम जो कोई भी, अब इसमें एवरी पर्सन है वर्ड, ये आपने जरा नोट करना है, ये अलग अलग से नहीं है। इसमें बिजनेस जो इनकम है वो अलग अलग से नहीं है, वो उन्होंने इकट्ठी मर्ज कर दी है कि वो जो भी होगा वो बिजनेस इनकम अगर इकट्ठी इसमें अगर फॉल कर गया तो एरिया बेस्ड दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बाकी जो 5 और 5A उन्होंने आपको बताया है, ये अभी जो उन्होंने कहा है कि 5 और 5A, उसको भी एक नज़र देख लें कि जो ड्यू डेट्स हैं वो उनकी अपनी अपनी वही रहेंगी जो पहले आप पढ़ चुके हैं, उसमें वो फर्क नहीं कर रहे। नेक्स्ट है जी, ये देखें आपके सामने है, रिवाइज एस्टिमेशन ऑफ एडवांस टैक्स बाय टैक्स पेयर इफ एक्चुअल टैक्स इज लेस देन द एस्टिमेटेड टैक्स। पहले आया था ज्यादा वाला, अब आया है कम वाला। अगर सबसेक्शन 6 में आपको लगता है कि आपका जो एडवांस टैक्स है वो आगे कम हो गया है लेकिन उसको जो एस्टिमेशन है वो ज्यादा आ रहा है, नजर आ रही, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा वो बस। मैंने, अच्छा सॉरी मुझे लगता है स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की। ये आप देखें, इससे पहले के लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, आपको लगता है कि आप का टैक्स जो है, देखें पहले उसने थोड़ा सा पीछे चले जाए, वो मैं दिखाता हूं। ये आपका पहला था 4, सबसेक्शन जो 4A है सीरियल 4 पे, अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो 4A आपका ज्यादा के लिए है, और जो 6 है आपका ये 6, ये कम के लिए, यानी अगर मेरा टैक्स एक्चुअल टैक्स एस्टीमेशन के मुकाबले में ज्यादा हो जाए तो 4A में, और अगर कम हो जाए तो फिर आप 6 का सबसेक्शन 6 का सहारा लेके तो आप उसको बताएंगे जी मेरी टर्नओवर कम हुई है, बिजनेस बंद हो गया, कोई ना कोई रीजन आपके पास होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपका जो टैक्स है वो जो एक्चुअल है वो एस्टीमेशन से वेरी कर रहा है। जी ये ना हो कि पिछले के मुकाबले में 10 लाख निकला है, आगे बिजनेस ही बंद हो गया, आगे टर्नओवर है ही नहीं या टैक्स बनता ही नहीं, तो आप फार्मूले में फंसे रहे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा जो एक्चुअल बनता है मैंने वही डिस्चार्ज करना है,
तो वो जो भी कम या ज्यादा होगा उसके मुताबिक आप उसकी एडजस्टमेंट की फैसिलिटी उन्होंने आपको लॉ के अंदर दी हुई है ताकि आप रियल टैक्स ही बेसिकली जमा करवाएं। जी कोई सवाल है आपके पास? लेकिन उसके साथ फिर एस्टीमेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीजें फिर आप वेरीफाई करा दें कि आपका एस्टीमेशन के मुकाबले में टैक्स कम या ज्यादा क्यों हुआ। ज्यादा पे तो शायद उनको कोई इतराज नहीं होगा, कम वाले पे जरूर स्क्रूटनी होगी कि भाई इसको जरा चेक करें ये बंदा सच भी बोल रहा है कि नहीं। जी सर, अगर एडवांस टैक्स हमने पे कर दिया और इससे पहले कि हम अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट को एडजस्ट करते हमने बिजनेस क्लोज कर दिया तो एडवांस टैक्स तो उसमें से ये तक रिफंड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। जब आप रिटर्न में इससे कम शो करेंगे या जीरो शो करेंगे, कुछ नहीं किया, तो फिर जो पैसा दिया होगा आप अपनी उसका पहले रिटर्न फाइल करके क्रिएट करवाएं, रिटर्न फाइल करें और उसके बाद 170 में एप्लीकेशन दे के तो आप वापस मांग सकते हैं। ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, पैसा नहीं कहीं जाता, पैसा तो जमा हुआ ना आपका। जी और कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं? जी ये सब सेक्शन 6 आपका क्लियर हो गया? क्लियर है सर, सब सेक्शन 6A। अब ये बेसिकली इसलिए है, ये कहते हैं कि अगर एक कंपनी या एओपी का पहला साल हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर किसी कंपनी या एओपी का पहला साल हो तो जाहिर बात है पीछे तो टर्नओवर है कोई नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि आप अपना एस्टीमेशन, आप अपना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के तो उस बेस पे कीपिंग इन व्यू 113 सी और सारी जो आपकी बाकी चीजें उधर रहेंगी, आप अपने एडवांस टैक्स को एस्टीमेशन की बेस पे, जिसे आप प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एस्टीमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, वो बना के तो फिर आप जो है एडवांस टैक्स डिस्चार्ज कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, आल दो ऐसी चीज इंडिविजुअल और एओपी के लिए नहीं है, लेकिन अगर वो भी करना चाहे तो वो अपनी लायबिलिटी चेक कर सकता है क्योंकि पीछे तो उसकी लायबिलिटी है नहीं, और एडवांस टैक्स अगर उसने पे करना है तो अपनी वो उसको वो दहरी बात है एस्टिमेशन ही करके उसको कुछ करना पड़ेगा, रियल बेस पे तो शायद वो नहीं जा पाएगा। तो इसी तरह जो कंपनी और एओपी है उसको सब सेक्शन 6A में उन्होंने कहा है कि आप प्रोजेक्शंस की बेस पे एडवांस टैक्स दे दें, क्योंकि अगर पहले ये होता था एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जब लेने जाते थे तो वो कहते थे जी एडवांस टैक्स दें, एडवांस टैक्स वो पहला साल होता था तो पीछे था कोई नहीं, तो फिर इन्होंने ये सेक्शन सब सेक्शन ना बाद में इंसर्ट किया कि आप प्रोजेक्शन की बेस पे अकाउंट्स बना के अपना टैक्स जमा करा दें ताकि आपको एक तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए और दूसरा अगर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है तो आपको वो दिया जा सके। जी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। जी हेलो सर, क्लियर है? हाँ जी, फिर भी कोई सवाल हो किसी का तो कर ले वरना मैं आगे चलूं। अब मैं आ रहा हूं 7 की तरफ। अब जो एडवांस टैक्स आप अगर आपकी तरफ निकल आता है तो इसको इसी तरह समझा जाएगा कि जैसे आपकी असेसमेंट हुई है और आपने टैक्स जमा नहीं करवाया तो फिर उसकी रिकवरी वो करेंगे डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ। ये बेसिकली ये पॉइंट है 7 नंबर, सब सेक्शन जो 7 है, सीरियल नंबर तो खैर 13। जी हेलो, ओके है जी, आगे चले? ओके सर, चले 7 था जी, 7A सब सेक्शन है। अब बोर्ड के पास ये पावर है कि कैलकुलेशन करने का तरीका IRS में ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर वो उसको दे सकते हैं कि भाई ये फार्मूला है जो ऑब्वियसली लॉ की बैकिंग के साथ होगा, लीगल बैकिंग के साथ वो उसको दे सकते हैं, और कुछ लोगों को ऑनलाइन नोटिस आए भी हुए हैं और उसमें लिखा होता है कि जी ये तरीका है, आप इस तरीके से ये पैसे जो है कैलकुलेट करें, लेकिन आप अपने लॉ के मुताबिक अपनी कैलकुलेशन कर लें और उसके मुताबिक ही उसको जो टैक्स है
वो आप जमा करवाएं। अब वो ज्यादा ये कम है वो एक बात की बात है, लेकिन वो रियल टैक्स होना चाहिए। ये 7A है जी, बोर्ड के पास जो पावर है कि वो उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि एस्टिमेशन और कैलकुलेशन कैसे, वो ऑब्वियसली यहीं से कैलकुलेट करेंगे और उन्होंने कहाँ से लेना है इसको। जी किसी और का कोई सवाल है इससे कनेक्टेड तो वो कर सकता है। तो गोया आप एक्चुअल और एस्टिमेशन को कंपेयर कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि रियल है कि नहीं है, और कम ज्यादा की एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। आगे आ जी आपके सामने क्रेडिट इज अलाउड। जैसे अभी ख्वाजा साहब ने सवाल किया कि जो मेरा पैसा जाएगा उसका क्या बनेगा, तो उन्होंने आप सब सेक्शन 8 के अंदर जाके उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप जो पैसे जमा कराएंगे उसका क्रेडिट आपको जब आप अपनी इनकम निकालेंगे और रिटर्न फाइल करेंगे ओबियसली, तो उसके क्रेडिट आपको जो है वो उसका दिया जाएगा। जी ये तो क्लियर है मेरे ख्याल, कोई इसमें तो इशू नहीं है, कोई सवाल है तो फिर भी आप कर लें। हाँ जी चले आगे चले सर चले। 9 है जी आगे। अब उसका जो ऑर्डर होगा टैक्स क्रेडिट का वही होगा जो सबसेक्शन 3 और सेक्शन 3 में दिया गया है, यानी ओबियसली पहले लाइबिलिटी निकलेगी फिर आपके टैक्स क्रेडिट आएगा, पहले टैक्स रिडक्शन है टैक्स क्रेडिट है और फिर अल्टीमेटली जो टैक्स पेड हुआ होगा फिर आपका वो माइनस होगा। अगर आप कहते हैं तो ठहरे मैं आपको दिखा भी देता हूं। 4 का 3 जी ये देखें जी आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा वेयर अ टैक्स पेयर इज अलाउड मोर देन वन टैक्स क्रेडिट। तो जो ऑर्डर होगा क्या होगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट सबसे पहले 103 का, उसके बाद जो पार्ट 9 है मेरा ख्याल है चैप्टर 3 एंड देन एनी टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 147 एंड 168। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद जो टैक्स क्रेडिट आपके जो वो डोनेशन वाले हैं इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो दिए जाएंगे और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जब आपकी जो लाइबिलिटी बचेगी उसके अगेंस्ट जो आपने पेड किए होते हैं, रिटर्न के अंदर भी इसी तरह है और ऑर्डर भी उन्होंने वही रखा हुआ है जो सबसेक्शन 4 के 3 के अंदर दिया हुआ है। तो ये तरतीब आपने यानी पहले 103 फिर अदरवाइज वाले जो टैक्स क्रेडिट है 61 से 64 है या 5 है और फिर अल्टीमेटली आपको जो आपने टैक्स पे किए होंगे वो आप एंड पे जाके फिर उनको माइनस करेंगे। हाँ जी लॉजिकल भी है, जो छूट है वो पहले आनी चाहिए और जो जो पेमेंट है अल्टीमेटली वो एंड पे होनी चाहिए और वही वो कर रहे हैं जी, क्योंकि अगर छूट अगर क्रेडिट वाला नीचे वाला ऊपर आ जाए तो हो सकता है फिर आपको टैक्स क्रेडिट फिर जो है वो कम हो जाए आपका, क्योंकि जो लाइबिलिटी बनाई गई है क्रेडिट भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए, इसलिए वो 103 और बाकी वाले ऊपर है और अल्टीमेट पेमेंट वाले नीचे हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, लॉजिकल है और टेक्निकल है वो समझने की बात है, बस समझ आ गया तो फिर आसान हो जाएगा। जी एनी क्वेश्चन देखे ना, अगर मेरी आपने 1000 लाइबिलिटी निकाली है एक बात कर रहा हूं यानी 1 मिलियन अगर लाइबिलिटी है और मेरी पेमेंट ही आगे 15 लाख हो गई है और मैं अगर टैक्स क्रेडिट लूंगा ही नहीं 103 का या जो मैंने अदरवाइज दिए हैं तो वो तो 15 लाख पहले ही 10 लाख में से जब निकल जाएगा मेरा तो रिफंड क्रिएट हो जाएगा तो क्रेडिट तो मुझे मिलेगा ही नहीं फिर कभी, इसलिए उन्होंने लॉजिकल है कि वो क्रेडिट आपको देने के बाद जो बचेगा, हो सकता है 1 मिलियन में से जब मैं 20% लेस कर दूं तो बाकी तो 8 लाख बच गया, 8 में से जब मैं आपका 10 लाख या फर्ज करें 15 लाख कटा हुआ है तो मेरा रिफंड अब बढ़ जाएगा ना इस तरह, ताकि जो जो जहां जहां जिसका क्रेडिट अगर है उसको वो देने के बाद अल्टीमेटली पेमेंट माइनस हो। तो इट सीम्स वेरी लॉजिकल है और टेक्निकल भी है तो समझ भी आता है कि इसको इसी तरतीब में होना चाहिए था। जी जनाब फिर भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं या मैं आगे चलूं। हाँ जी सर चलिए आगे आप। 10 नंबर है जी आपके सामने सब सेक्शन जो है, अगर आपका
लॉ ये कहता है अगर आपने कोई टैक्स आप क्रेडिट नहीं कर पाए, अब गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स क्रेडिट और पार्ट ऑफ टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस सेक्शन, आपको दे रहा है फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट एबल टू बी क्रेडिटेड अंडर सबसेक्शन 3 or 4 फॉर द टैक्स ईयर शैल बी रिफंडेड टू द टैक्स पेयर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 170। अगर अब आपकी यानी बात है जो जो आपने पेमेंट की हुई है, ठीक है, अगर आपने आपको जो टैक्स क्रेडिट अलाउड होना था, यानी मेरी लायबिलिटी से ज्यादा मेरी पेमेंट हुई हुई है, और वो मेरी पेमेंट अगर ज्यादा हो जाती है तो वो आपने टैक्स पेयर को 170 सेक्शन में वापस करना है। अब ऑब्वियसली उसका प्रोसीजर होगा जब रिफंड मांगना होगा, ऑल दो इसमें लिखा हुआ है कि ये उसको वापस होना चाहिए, लेकिन रिफंड लेने का 170 की एप्लीकेशन दे के ऑनलाइन और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के फिर ही आपको रिफंड जो है वो मिलेगा, ताकि जेन्युइन और फेक रिफंड उन पर भी चेक एंड बैलेंस रखना है उन्होंने, कुछ चीज़ें लोग गलत ना क्लेम कर लें या जो बनता नहीं है तो वो क्लेम ना कर लें। तो ये बेसिकली ये लास्ट सब सेक्शन है इसका जो 147 का, कि उसका रिफंड आप, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा जी अगर मेरा ज़्यादा आ गया तो फिर आप उसका रिफंड इस सब सेक्शन के थ्रू और वाइड रीड विद सेक्शन 170 के थ्रू आप अप्लाई करके ले सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें जी, ये आपका एडवांस टैक्स के बारे में था। हेलो, एनी क्वेश्चन? मैं अपने लिए सिर्फ आपके लिए भी थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं है जी, सेंटर में कर रहा हूँ, जरा ज्यादा बेहतर लग रहा है इस तरह जी। कोई क्वेश्चन है? ये था जी आपका एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147। अब अगर इसको कट शॉर्ट करें ना आप, और तो आपको तीन चार चीजें इसके अंदर उन्होंने, एक तो उन्होंने रखा एक्सक्लूजन में जो निकल गए, फिर उन्होंने जो जहां जहां एप्लीकेबल है उनकी डेट्स बताई, फिर उन्होंने तरीकाकार बताया टर्नओवर बेस एओपी कंपनी और इंडिविजुअल को चार पे तकसीम किया, फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन वालों को बिल्डर और डेवलपर को उनको अलग कर दिया, फिर इसके अंदर सिक्योरिटीज वाला था गेन वो विद इन 6 months और विद इन 1 year वाला, और फिर कम या ज़्यादा की एडजस्टमेंट है, रिफंड का प्रोसेस है, और जो पेमेंट आप करेंगे उसके क्रेडिट का तरीकाकार है। तो ये सारा आपने, और इसको दे के आप अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं और क्रेडिट आपको मिल जाएगा, और कम या ज़्यादा भी आपको साथ सारी बातें कोशिश की, और जहाँ टर्नओवर नहीं है अपनी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में तो कंपनी एओपी को कहा कि प्रोजेक्टेड भी बना लें, तो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने प्रैक्टिकली कवर की हुई है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, और ये करके आपने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। जारी बात है अगर आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, एडवांस टैक्स फिर भी आपको देना पड़ेगा जहां बनता होगा, और जहां नहीं बनता होगा वहां आप अकॉर्डिंगली उसका जवाब दे देंगे। जी जनाब, अब ये क्रक्स था, फिर भी आपके जहन में अगर कोई सवाल आता है तो आप इसके बारे में कर सकते हैं। तो तीन बड़ी चीज़ों को उन्होंने कवर किया है, बेसिकली बिजनेस को, कंस्ट्रक्शन बिल्डर और डेवलपर को, सिक्योरिटीज़ को, ये तीन चीज़ें इसके अंदर जो है वो जो है एडवांस टैक्स के पर्पज़ के लिए वो कवर की जा रही है। और रही बात वो इंडिविजुअल की, तो उसमें चार पे वो तकसीम कर रहा है जो आपकी असेस्ड लेटेस्ट असेस्ड टैक्स होगा, तो और बाकी कम या ज़्यादा वाला मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। जी जनाब, ये था एक ओवरऑल व्यू विद डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अगर ओके है तो मुझे बता दे, मैं थोड़ा सा और आप लोगों से कुछ चीज शेयर करनी है। जी इससे कनेक्टेड कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, इससे कनेक्टेड अगर कोई अभी तक तो सर क्लियर है। मैं ना इसकी ना मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेता हूँ, अगर मेरे पास बुक के अंदर मैं देखता हूँ या मुझे कोई रेफरेंस इसका अभी क्विकली मिल जाता है तो मैं आपको
वो भी कर लेते हैं ताकि ये एक दफा क्लोज हो जाए अच्छे तरीके से। मैं अभी देखता हूँ जी, अगर मुझे वो फाइल मिल जाती है, आप लाइन पे रहिएगा। बल्कि मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, डिडक्शन एंड पेमेंट वाले में किसमें होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये स्क्रीन देखें जी, आपको नजर आ रही है? हेलो, आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी? तो ये जरा देखें, आपको मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2B है, ये जरा देखें, इस पे मेरे साथ जरा बात करें ताकि इसको किया जा सके। पहले तो आसान सवाल चले कर लेते हैं, इसी को पकड़ते हैं। इसके 3 पार्ट हैं जी, ये पहला क्वेश्चन है। कौन पढ़ेगा जी? ख्वाजा साहब आप पढ़ेंगे? हेलो, सर मैं पढ़ दूं? हाँ जी आप पढ़ दें, ये मैक्रो वाला जी। क्वेश्चन नंबर 2B February 2014। मैक्रो ट्रेडिंग एमटी इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ओन्ड बाय मिस्टर वलीद। ही इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स फॉर मेनी इयर्स। तो लास्ट में हिज नहीं है। टैक्सेबल इनकम फॉर अ ईयर एंडेड 30th जून 2013 वाज रुपीज 1 मिलियन आप इसको बाय मिस्टर ना, वलीद। आप इसको 2023 ही समझें, ठीक है? आगे सर ठीक है जी। 30th जून 2023 ठीक वाज रुपीज 1 मिलियन है। एंड मिस्टर वनियन्स टैक्स एडवाइजर अप्राइज्ड हिम टू पे एडवांस टैक्स फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30th जून 2024 24 करें। हाँ जी 24, क्योंकि अब 24 चल रहा है ना, ठीक हो गया। अब 24 चल उसने 3 सवाल आपसे किए हैं। पहला, कीपिंग सर व्हाट इन, इज रिक्वायर्ड कीपिंग इन व्यू हिज टैक्स एडवाइजर्स एडवाइस। मिस्टर वहीम नीड्स एक्सप्लेनेशन विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग क्यूरीज एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। नंबर 1, क्यूरी नंबर 1, हाउ द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी वुड बी कैलकुलेटेड फॉर द टैक्स ईयर 30th 2020 जून 2024 नंबर 1। नंबर 2, एंड नंबर 2, व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ क्वार्टर एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर नेमली हाँ जी, 4 क्वार्टर Q4 उसने दे दिए ना, उसने फिर पूछा पीरियड ऑफ Q4 क्वार्टर क्या और लास्ट डेट क्या, और तीसरा सवाल क्या है? और तीसरा क्वेश्चन है एज द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द असेस्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द लेटेस्ट टैक्स ईयर जी, व्हिच सोर्सेज ऑफ इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द लेटेस्ट टैक्स ईयर। और एंड पे क्या है? एंड में है इफ मिस्टर वहीद इज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर इज लेस देन द प्रीवियस ईयर ठीक है,
ले जी, चार चीजें वो आपसे पूछ गया बेसिकली, ठीक है। अब पहला सवाल ये है कि अगर ये इंडिविजुअल का केस है, हर्बल प्रोडक्ट्स लास्ट मैंने ईयर से कर रहा है और 23 की इनकम 10 लाख है, तो हाउ द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड फॉर द टैक्स ईयर 2024। जी कोई जवाब देना चाहेगा? हेलो, तो सबसे पहले एस्टिमेट होगी, देखे ना, इसको तो पहले देखना पड़ेगा 23 में इसकी लायबिलिटी क्या बनी थी, क्या बनी थी 23 के अंदर, उसको चार पे तकसीम कर देंगे और अगर क्वार्टर में कुछ कटा होगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये तो तरीका कार है, ठीक है। नंबर वन, इसको मिला के पढ़ेंगे चौथे के साथ, अगर उसकी ओपिनियन में अगर मेरी लायबिलिटी पिछले मुकाबले में कम हो जाता है तो वो एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन एडजस्टमेंट करने के लिए उसको सबसेक्शन 6 में जाना पड़ेगा, जहां वो अपना जो एस्टिमेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, या जिस वजह से टैक्स कम हुआ है वो टैक्स ऑफिस में वो कमिश्नर इन द रेवेन्यू को प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। हेलो, अब अगर एक और भी पॉइंट है, ये उसने आपकी इनकम देखा, आपने जो इनकम टैक्सेबल जो उसने की है जो 23 की, वो पूरी 10 लाख कर दी है, अगर ये 10 लाख से एक रुपया भी कम होता तो एडवांस टैक्स फिर आना नहीं ना था, ठीक है सर। दो बातें हो गई। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि क्वार्टर कौन कौन से है, पीरियड ऑफ क्वार्टर, ये सितंबर है, जारी बात है ये सितंबर ही बनेगा, 23, दिसंबर 23, मार्च 24 और जून 24, ठीक है, और उनकी लास्ट डेट क्या होगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च और 15 जून, ठीक है, ठीक हो गया। ये दो के जवाब आ गए। तीसरा क्या है, अगर वो कहता है जी कौन सी इनकम, वो कहता है जी बेसिकली जब लेटेस्ट टैक्स ईयर की वो जो ले रहा होगा, कौन सी सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो नॉट इंक्लूडेड होंगी लेटेस्ट टैक्स ईयर की। अब जाहिर ही बात है जो फाइनल डिस्चार्ज में है, सेपरेट ब्लॉक में है, 567 वाली, 149 वाली, और जिनका क्रेडिट नहीं मिलना यानी FTR में कवर्ड है, उनको शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा ही है, ऐसे ही है सर। तो आपके चारों सवालों के जवाब आ गए, अगर किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक तो वो कर सकता है। सर जो आखिरी वाला आपने बताया ना, वो कौन कौन सी चीज शामिल होगी, वो जरा रिपीट कर दें। वो असल में आपने ज्वाइन लेट किया है ना, तो आपने वो पढ़ा नहीं, वो उसने पहले ही सेक्शन में 147 के ये दिया हुआ है कि किन किन पे अप्लाई नहीं होता, मैं आपको एक नजर दोबारा दिखा देता हूँ, आपने चूंकि देखा नहीं अभी तक, ये है, ये देखे 5, 6, 7 डिविडेंड नॉन रेजिडेंट्स वाले, और शिपिंग और एयर शिपिंग और जो आपके चार्टर वाले हैं, फिर 149 वाले, या तीसरा वो जिनकी FTR में इनकम कवर्ड है, क्योंकि जनरली FTR में जो कट जाता है उसका क्रेडिट नहीं वो देते, जितना बनता है उतना ही कट गया होता है, लेकिन रिटर्न में हम दोनों शो करते हैं, बहरहाल चूँकि FTR है ऑलरेडी कट गया हुआ है तो उसको एडवांस टैक्स में शामिल नहीं किया जाएगा, ना लायबिलिटी में और ना ही उसका क्रेडिट देते वक्त। हाँ जी, अगर लेकिन एक ये भी है कि अगर वो कम कटा है तो बैलेंस आपको देना पड़ेगा, अगर ज्यादा कट गया तो उसकी एडजस्टमेंट आप क्लेम कर सकते हैं, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अमूमन क्या होता है कि FTR में उतना ही टैक्स कटता है जितना बनता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये भी देखा गया कि कहीं ज्यादा कट जाता है, कहीं कम भी कटता है, कहीं कटता ही नहीं है, उस सूरत में फिर आपको वो जो भी विद द रिटर्न आपका टैक्स बनेगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा, ये नोट करने वाला इसमें पॉइंट है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके हो गया जी, ओके सर। अच्छा, सवालों में वापस आते हैं क्योंकि सवालों से लर्निंग आपकी सबसे ज्यादा होनी है। एक मिनट, अब ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, 205। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए है जी, इसमें नहीं जी, ख्वाजा साहब एक ये भी पढ़ लें, ये सामने आपके क्वेश्चन नंबर 2B की बात कर जी, रहे हैं जी, इसी की बात हो रही है। हाँ जी,
उसमें यह कि हाउ क्वार्टरली एडवांस टैक्स इज कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर वन ए कंपनी, टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, थ्री एन इंडिविजुअल। हाँ जी, वो कहता जी कैसे कैलकुलेट होगा। अब कंपनी और एओपी में आपको पता है कि आप जो लेटेस्ट टैक्स ईयर का टैक्स है उसको उसकी टर्नओवर पे डिवाइड करते हैं और ड्यूरिंग दी टर्नओवर क्वार्टर में मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं जो कटा होता है। ये तो इंडिविजुअल और एओपी का और सॉरी कंपनी और एओपी का, और इंडिविजुअल में लेटेस्ट टैक्स ईयर को चार पे तकसीम कर देते हैं और जो ड्यूरिंग दी क्वार्टर कटा होता है उसको माइनस कर देते हैं और एक्सक्लूजन को ओबियसली निकाल के, और यह कम या ज्यादा की एडजस्टमेंट अपनी जगह पे है। तरीकाकार चूंकि पूछा गया था तो उतना ही जवाब देना जितना पूछा गया था। हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? बड़ा क्लियर है ये तो जी सर। अच्छा जी, अब आगे आता हूं, और भी सवाल है इससे कनेक्टेड। हैं तो ये भी मैं आसान आसान पहले करा रहा हूं आके फिर आप मुश्किल की तरफ आए। ये जरा पढ़े जी। सर कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं? नाइन क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, उल्टा शुरू कर दिया ना मैंने आसान से जी। क्या कहता है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर नाइन सर ये है, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडरिंग द कीज गिवन देयरिन। Advance tax on quarterly basis is payable A before income year, at the start of income year, and number C during income year. जी, कौन सा सही है जी? So during the income year. बिल्कुल ऐसी during the income year जो है वो आपने pay करना है। एक मिनट। ये भी गया। ये 6 मार्च 1999 वाला जरा पढ़े ब्रीफली, डेवलप एंड राइट अप। अच्छा जी, 6 मार्च 1999 का क्वेश्चन है, ये कहता है कि ब्रीफली डेवलप अ राइट अप फॉर योर क्लाइंट्स इन कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर जी, एडवाइजिंग देम अबाउट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 53 Now section 147 of the Income Tax Ordinance relating to advance tax before assessment. जी, वो कहता जी आप राइट अप देंगे, अब जाहिर बात है इसमें आपको सारी वो चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, ठीक है। उसने दोनों मांगे, कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट। मेरा ख्याल हो जाएगा ये, चले आगे जी सर। चले, ये सितंबर 2000 का क्वेश्चन नंबर वन पढ़े। कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर वन 2000 का। हाँ जी, ये हु इज रिक्वायर्ड प्रोविजंस रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ टैक्स। नीचे वाला क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहे हैं? नहीं वही, क्या ऊपर हु इज रिक्वायर्ड टू पे। अच्छा, इसमें एबीसीडी दिए हैं जी जी। हु इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स नंबर वन। नंबर टू जी जी, How advance tax is computed? ठीक है। See what are the dates for the payment of advance tax? तो ये उससे मिलता जुलता है कि corporate और non corporate दोनों देंगे, कैसे calculate करेंगे वो हम शेयर कर चुके हैं। What are the dates? वो पीछे जो question किया था ये exactly वही है, फर्क सिर्फ ये है कि उसने A B C D कर दिया है। हाँ जी, चले आगे। चले सर। हाँ जी, मैं वही 147 वाले ही आपको करा रहा हूँ सारे। मिलता जुलता ही वो ठीक है। मैं अब न्यूमेरिकल की तरफ आ जाता हूं, बेहतर यही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी आपके लिए। ये स्प्रिंग 2008 थ्री ए जो है, ठीक है, ये जरूर पढ़े। उसमें ये कहता है जी कि AAS Private Limited was incorporated on July 1st, 2006 and commercial and commenced commercial operations in the same month. जी।
It suffers losses in the first year of its operations. Briefly explain how the company should determine the amount of advance tax to be paid, if any, in the tax year 2008. उसको आप 23 ले लेंगे, नीचे वाले को 24 ले लेंगे, ताकि हम लेटेस्ट के हिसाब से बात करें ना। अब कंपनी बनी है, उसको लॉसेस आए हैं, वो कहता जी आप एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जाहिर ही बात है, अगर कोई उसने टर्नओवर किया, वो बेस यूज की जाएगी और एक्चुअल अलग हो जाएगा और टर्नओवर बेस आप अलग कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका एक्चुअल उसके बराबर है तो अच्छी बात है, एक्चुअल ज्यादा है तो फिर आप ज्यादा कैलकुलेट कर लें, कम है तो कम के मुताबिक आप उसको बेस बना लें। मेरा ख्याल है ये क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और अगर टर्नओवर नहीं है तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे बना लें, और इससे नीचे वाला भी देखें 5B ऑटम 2008 क्वार्टरली एडवांस टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन 147 इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम। Prepare a list of various types of income which are not taken into consideration while calculating the amount of advance tax. फिर वो रिपीट हो गया, वो जो अभी मैंने आपको दिखाया था सेपरेट ब्लॉक, हाँ ये वाले, ये आपके सामने है, ये वही वाला उसने दूसरे तरीके से सवाल कर लिया। अच्छा एक आध न्यूमेरिकल मैं जरा देख लूं, ऊपर था एक ये वाला जो सवाल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये दो सवाल और कर लो तो फिर क्लोज करते हैं, एक मिनट। ये देखें जी, ये जो सी है, ये वाला सवाल आपने देखना है, ठीक है। क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ इनकम, ये पढ़े सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं? ये सी, डिटेल्स ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। डिटेल्स ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द लास्ट टैक्स ईयर Relating to four taxpayers are tabulated below. नहीं जी, चार टैक्सपेयर है, एक ब्रिलियंट, ठीक है, एक मिस्टर मिस एजुकेटेड जी, और थर्ड टैक्सपेयर इज मोटिवेटेड एंड को एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन ऑफ देम इज द कॉन्फिडेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो दो इंडिविजुअल्स हैं, एक एओपी है और एक कंपनी है। अब उनकी इनकम आगे आ रही है, ठीक है, यानी सोर्सेज ऑफ इनकम में सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सिर्फ मिस एजुकेटेड जो है, हाँ, उसकी सैलरी है 2.5 लाख रुपया जी, और फिर आगे नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इज प्रॉपर्टी जी, उसमें मिस्टर ब्रिलियंट जो है उसकी 60,000 है। नहीं ठीक है, अमाउंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हमें समझ आ गई है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम इज बिजनेस, और फिर अदर सोर्स ऑफ रेंट पे टोटल दिया हुआ है। अब रिक्वायरमेंट पढ़े वो क्या कहता है। अब रिक्वायरमेंट इसकी ये है सर, In respect of each of the above taxpayers, explain whether they are required to pay advance tax under the Income Tax Ordinance 2001. जी, असल सवाल ये है। अब पहला मिस्टर ब्रिलियंट लेते हैं, उसकी टोटल इनकम 5-15 है, क्या इसने एडवांस टैक्स देना है? हाँ जी, इसको सर देखना पड़ेगा कि क्या टैक्सेबल इसकी है भी कि नहीं। इसको डिविडेंड तो फाइनल डिस्चार्ज है, ये तो काउंट फॉर नहीं होना, ये सेपरेट ब्लॉक में चला गया, तो कट के ही आएगा। तो बिजनेस और प्रॉपर्टी वैसे बिलो टैक्सेबल लिमिट है जी, बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो इसको एडवांस टैक्स भी नहीं देना चाहिए। वही जो डिविडेंड के साथ कटेगा वही है, अगर तो कटता है वो तो कट गया ना, वो तो कट गया, वो तो एडवांस टैक्स पर्पस के लिए कैलकुलेट ही नहीं ना होता, वो तो निकल गया वैसे ही, तो इस पे तो नहीं आ रहा, फिर तो नहीं देना इसको। अच्छा चल, तो नहीं देना दूसरे में, मिस एजुकेटेड सैलरी पे नहीं देना, प्रॉपर्टी पे भी नहीं देना, उसके अंदर सर डिविडेंड पे जो कटेगा वो है, बाकी जो है उसकी सैलरी है वो भी बिलो टैक्सेबल लिमिट है जी। सैलरी और प्रॉपर्टी दोनों को जमा कर ले, वो 6 लाख के बराबर आ रहा है, ठीक हो गया, ये भी गया, एडवांस टैक्स नहीं देना। चले तीसरा आ गया एओपी, हाँ जी,
एओपी भी लेस देन टैक्सेबल इनकम है सर, थ्रेशोल्ड। लेकिन इसको आपने ध्यान में रखना है कि लेटेस्ट को टर्नओवर बेस पे लेके जाना ना आपने, लेटेस्ट का तो हमें नहीं ना पता। हाँ जी लेटेस्ट का नहीं पता, और वो टर्नओवर का भी नहीं पता ड्यूरिंग द क्वार्टर का नहीं पता सर कि टर्नओवर कितना था इसका। ठीक है, और बिजनेस से 1.5 लाख रुपए सिर्फ आ रहा है। हाँ जी, हो सकता है इसको टर्नओवर टैक्स लग रहा हो और हो सकता है ना लग रहा हो, दोनों ही चांसेस, ये अब कोई पता नहीं है। दूसरा ये बिजनेस इनकम है क्या, इसकी एक और भी है ना कि 113 इसको लगता है कि नहीं, और टर्नओवर कितनी है, ये दोनों फैक्टर जब तक नहीं पता लगते उसके बगैर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं लेटेस्ट अगर क्योंकि 113 अगर नहीं लगता तो फिर तो वो टैक्स नहीं देंगे। ठीक है जी, और अगर वो लगता हुआ तो एटलीस्ट इसको वो तो देना पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप कंपनी में आ जाए जी, कंपनी में सर उसका ये है कि प्रॉपर्टी से इनकम है और बिजनेस की इनकम है। तो डिविडेंड तो सेपरेट ब्लॉक में चला गया ना, वो तो सेपरेट ब्लॉक में गया ही, 15% या जो भी था वो सेपरेट चला गया। इसमें अब आपको कैलकुलेशन पहले करनी पड़ेगी वही टर्नओवर बेस पे, बिजनेस चुके है। हाँ जी, वो देखना पड़ेगा और मिनिमम टैक्स को भी देखना पड़ेगा और अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स को भी देखना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर कोई भी एप्लीकेबल ना हुआ तो ये बच जाएगी। ठीक है जी, कोई भी, लेकिन कोई नजर नहीं ना आ रहा क्योंकि बिजनेस ही अगर खाली में ले लूं तो कंपनी पे 29% या 20% फ्लैट रेट है ना। जी तो ये तो बचती हुई नजर नहीं आ रही, सीधी बात है। लेकिन कैलकुलेशन करके टर्नओवर बेस एक्चुअल बेस मैच करके फिर उसमें से जो कटा होगा वो आप माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है कि इसमें कोई चांस बन सकता, इसमें कुछ हो सकता, इसका जरूर बनेगा टैक्स जो मुझे लग रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चले जी। अब एक सिर्फ रह गया, अब और मैं देख लू, न्यूमेरिकल टाइप है ये, बड़ा अच्छा सवाल होगा आपके काम आ जाएगा। ले अब फिगर वर्क में अब आने लगा ये, इसका ये पढ़े, बीटा एंड कंपनी इज एन एओपी, एओपी अ पार्टनर इन द फर्म हैज अप्रोच्ड यू टू कैलकुलेट द एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द फोर्थ क्वार्टर। जी फोर्थ क्वार्टर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन provided to you। ये 13 को आप 23 समझे और X4 को 24 समझे, ठीक हो गया ना। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। अब millions में डाटा गिवन है, टर्नओवर गिवन है NTR की, हाँ जी, फाइनल टैक्स की और FTR के अंदर भी, और लायबिलिटी भी इसी तरह NTR और FTR गिवन है। अब नीचे पैरा जो लगा है वो पढ़े, द फर्म टर्नओवर, द फर्म्स टर्नओवर अंडर नॉर्मल एंड फाइनल FTR अप टू थर्ड क्वार्टर ऑफ द टैक्स ईयर 2024 वाज ₹450 million एंड ₹140 million रिस्पेक्टिवली। यानी उसने तीसरे क्वार्टर तक की टर्नओवर भी आपको दे दी है। अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेएबल फॉर द फोर्थ क्वार्टर पर्टेनिंग टू टैक्स ईयर 2024। और ऊपर उसने 24 की जो इंफॉर्मेशन है आपको वो अलग से दी हुई है। ठीक है, हां जी, 23 की टोटल दी और 24 के तीसरे क्वार्टर तक की दी और आगे 24 का जो 24 है आगे जो टर्नओवर है NTR की वो उसने अलग से भी आपको FTR की और NTR की दी हुई है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि वो ऊपर पूरे साल की लग रही है 24 की और तीसरे क्वार्टर तक की नीचे गिवन है। अब पहला सवाल ये है क्या इसको एडवांस टैक्स देना है कि नहीं, तरीका तो बाद में आएगा, क्या इसको लगता है? टर्नओवर तो आ रही है इसकी, टर्नओवर आ रही है, एडवांस टैक्स तो लगेगा सर। इसने जो पिछले साल 23 में टैक्स दिया है NTR में वो 13 मिलियन है, 13 मिलियन को 600 मिलियन पे डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है उसको
625 मिलियन है ना एनटीआर पूरे साल की टर्नओवर, उसमें से 450 हम लेस कर देंगे तीसरे क्वार्टर तक की, 450 माइनस करेंगे। हाँ वो नीचे तीसरे क्वार्टर तक की टर्नओवर गिवन है ना, क्योंकि उसने चौथे क्वार्टर की सिर्फ पूछी है ना, तो 625 में से हम 450 लेस करेंगे तो 175 बच जाएगा, 175 मिलियन। ठीक है, अब देख ले 13 तकसीम 600 मल्टीप्लाई बाय 175 क्वार्टर कोई नहीं बताया, एफटीआर का क्रेडिट नहीं मिलता तो कटा हुआ कोई नहीं है, तो ये आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी जो आपने। लेकिन फिर इसमें एक और भी चीज है ना, आपको 113 भी कैलकुलेट करना मिनिमम टैक्स, 625 मिलियन का 1.25% भी लेना पड़ेगा। दो बातें हो गई, ठीक है जी। और अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन नहीं है, वो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो लोअर साइड पे है, अगर होता तो फिर हम उस पर भी 29% या 20% कैलकुलेट करते, यानी टैक्सेबल इनकम का भी कैलकुलेट करते, क्योंकि ये तो हो गया एस्टिमेशन की बेस पे, फिर जो रियल टैक्स है वो निकालते। ठीक है, अब 625 मिलियन का 1.25% भी लेना है, वो अलग हो जाएगा। और इसमें टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं गिवन है, उनको हम जीरो ज्यूम कर लेंगे कि भाई वो नहीं आ रहा, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो 113 जो टैक्स बनेगा वो एनुअल होगा। तो आपने 175 का 1.25% भी लेना है, क्वार्टर का टैक्स निकालना है ना, तो आपको टर्नओवर टैक्स या एस्टिमेशन की बेस पे जो भी एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक टैक्स बाहर आएगा। कोई क्वेश्चन है तो आपका पूछ लें इससे पहले कि क्लोज करें, क्योंकि अजाने शुरू होने लगी हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, यानी इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जी जी कंपेयर करेंगे, और अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस बना हो जिसका रियल प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट का 17% भी है ना, एक्चुअली 17% नहीं होगा क्योंकि ये AOP है, कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, 113C नहीं लगेगा, 113 लगेगा क्योंकि टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से ज्यादा आ रही है, 1.25 अज्यूम करेंगे कि इस पर रिड्यूस रेट नहीं एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड रेट है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है या मैं क्लोज करूं जी? मेरे एंड पे तो सर क्लियर है, बाकी हजरात से पूछ लीजिए। सर ठीक है, चल सर, वैसे भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है कि जी चले ठीक है जी, फिर इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ जी। स्लाइड्स काइंडली सर रिक्वेस्ट है, जरा शेयर कर दीजिएगा बॉस जी। ठीक है थैंक यू बॉस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, जज़ाकअल्लाह खैर।